लखनऊ में गुडम्बा थाने के दरोगा और इंस्पेक्टर सस्पेंड, सीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। छेड़छाड़ और उत्पीड़न मामले में लापरवाही बरतने पर एक्शन। मेरठ के 63 हिंदू बंगाली परिवारों को सीएम योगी का तोहफा। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आए परिवारों को कृषि भूमि और आवास का पत्र सौंपेंगे सीएम। एनएक्सी में आज सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद विभागों का प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी। दोपहर 12 बजे से शुरू होगा प्रेजेंटेशन। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी अधिकारी। त्योहारों के मद्देनजर सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी 4 मई तक रद्द। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। रात में अपनी तैनाती स्थल पर ही रुके एसडीएम, सीओ और तहसीलदार। सरकारी आवास नहीं मिले तो ले किराए का मकान। लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी की गाइडलाइन। नई जगहों पर नहीं लगेंगे लाउडस्पीकर, आवाज भी परिसर से बाहर ना जाए। लखनऊ की पूर्व एसएसपी मंजिल सैनी की बढ़ सकती है मुश्किलें। श्रवण साहू हत्याकांड की जांच में सीबीआई ने मंजिल सैनी को माना दोषी। बरेली में शहीद को अंतिम विदाई देने उमड़ी बरेली की जनता। तिरंगे में लपेट कर आ गया बरेली के सपूत का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, दो मौके से फरार। कौशाम्बी में अवैध तमंचे से फायर करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्मी अंदाज में हवाई फायरिंग करता दिख रहा युवक।